हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं स्टीम मोदक। वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इस पर हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम घी डालेंगे और घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें खसखस डालेंगे और इसे हम 2 मिनट तक रोस्ट होने देंगे। आपको इसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है। आपको इसे 2 मिनट तक ही भूनना है, वरना ये कड़वी लगेगी। अब हम इसमें काजू बादाम और पिस्ते की पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे हम रोस्ट होने देंगे। अब ये हो गया है, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गुड़ इसमें पिघलना चाहिए। अब आपको इसे कंटिन्यूस मिक्स करना है। अगर आप थोड़ा भी रुक गए तो गुड़ काला हो जाएगा। ये देखिए, अब ये हो गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जायफल पाउडर डालेंगे और इसे हम कंटिन्यूअस मिक्स करते रहेंगे। आपको इसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है। अब ये हो गया है, अब हम इसमें किशमिश डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में उतार लेंगे। अब ये देखिए, हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब हम एक पैन में दूध और पानी का मिश्रण डालना है। मैंने दूध और पानी को एक साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें घी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे उबल आने देंगे। ये देखिए, उबल आ चुका है। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये हो गया है, अब हम इसमें साबूदाना का आटा डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अबे हो गया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इस पर 5 मिनट ढककर रखेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इस डो को एक प्लेट में निकालेंगे। निकालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से हाथ को घी लगा के इसे हम गूंदेंगे। आपको इसे अच्छी तरह से गूंदना है। जिससे ये चिकना हो जाए। अब ये हो गया है। ये हमारी स्टफिंग है और ये हमारा डो है। ये दोनों ही तैयार है। अब ये देखिए, ये स्टीमर है। ये कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है और ये छन्नी है, मैंने इसे तेल से पहले ही ग्रीस कर लिया है। ये मोदक का मोल्ड है, मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे बंद करेंगे और पहले हम इसमें डो डालेंगे।
आपको ऐसे दबा दबा के डालना है। दबा दबा के डालने के बाद इसे अच्छा सा शेप आएगा। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये स्टफिंग बहुत अच्छी होती है, आपको थोड़ी ज्यादा भरनी है। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा मोदक। ये देखिए कितना अच्छा बना है। मैंने ऐसे ही छोटा भी बनाया है। आपको पता ही होगा मेरे पास छोटा भी मोल्ड है, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में। देखिए दोनों ही कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब स्टीमर गरम हो गया है, अब हम इसमें सब मोदक रखेंगे। आपको इसे 15 मिनट तक स्टीम होने देना है। आपको इसे लो फ्लेम में ही स्टीम होने देना है। अभी हो गया है, देखिए हमारे मोदक रेडी हो गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं हमारे मोदक और कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना हमारे मोदक कितने अच्छे बने थे और उसकी स्टफिंग भी कितनी अच्छी थी, वो बहुत टेस्टी होती है उसकी स्टफिंग। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।